Hey guys, welcome to Think Forward. This is Shreshta, and today I'll talk about organisms and its environment, which is a basic part of ecology and based on NCRT. So let's start. <laughs> सो so गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की और उनके डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में अगर हम इकोलॉजी की स्टडी करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें जो मेजर बायोम्स हैं उनके बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इकोलॉजी अगर हम ऑर्गेनिजमिक लेवल पर देखें तो इसमें क्या होता है ये मेनली जो इकोलॉजी हम कहेंगे उसे फिजोलॉजिकल इकोलॉजी कहेंगे क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में किस तरह से अडेप्ट है कैसे वहाँ पर फंक्शनली सर्वाइव कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू और भी अदर टर्म्स के थ्रू किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं इसीलिए हम उसे वहाँ पे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी टर्म यूज़ करना वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से अडाप्टेड होते हैं इसलिए जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है उसी तरह के ऑर्गेनिजम्स उस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जैसे कि अगर हम मेजर बायोम्स की बात करें तो हमारे uh, अर्थ पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स जनरेट हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जैसे हाई टेम्परेचर रेंजेस है लो टेम्परेचर रेंजेज है वो सब क्यों जनरेट हुआ तो वो सिर्फ रोटेशन ऑफ जो प्लानट हमारा रोटेट कर रहा है अर्थ सन के अराउंड और उसका जो एक्सिस पे जो टिल्ट है और उसी के थ्रू हमारा क्या हो रहा है एनुअल जो आ, हमारा वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर में क्लाइमेट में वो सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि जो हमारा प्लानट है वो कंटिन्यूली रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से सीजनल वेरिएशन हो रहे हैं और जो हमारा सीजनल टेम्परेचर है वो घट बढ़ रहा है तो जो भी चीज़ें हो रही हैं सीजनल वेरिएशन वो अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज़ को जनरेट करने का काम करती हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किस किस टाइप के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे जो एनुअल वेरिएशन होता है वो प्रेसिपिटेशन में भी देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन मतलब ये होता है कि जो फ्रोज़न वाटर जो फॉर्म हो रहा है क्लाउड्स में और जो ओशन्स के थ्रू जो पानी बन के जा रहा है वो किसी न किसी फॉर्म में अर्थ पर वापस आता है चाहे रेनफॉल के थ्रू या स्नोफॉल के थ्रू इसी को हम क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन तो जो हमारा जो बारिश हो रही है और जो भी स्नोफॉल हो रहा है वो सब अर्थ पे वाटर के लेवल को बढ़ा रहे हैं तो जो भी हमारा चीज़ें हो रही हैं वर्षा जो भी जिस तरह का क्लाइमेट रहता है उसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि जो बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश में रहने के लिए अडेप्टेड एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करेंगे इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में या फिर हम कह सकते हैं इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे नेक्स्ट अगर हम देखें कि लाइफ अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकती कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स uh, के अलावा लाइफ और भी जगहों पर भी एग्जिस्ट करती है जो हम हाँ, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस एक्सट्रीम कंडीशंस इन टर्म्स की जैसे कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा सिर्फ हाई टेम्परेचर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है वेरी हाई टेम्परेचर की बात हो रही है जैसे कि हार्श टेम्परेचर है हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे बॉयलिंग टेम्परेचर पे भी कुछ बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं तो सिर्फ फेवरेबल हैबिटाट्स की बात नहीं करें कि हम यहाँ पे कुछ बायोम्स के बारे में बताया गया जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान डेजर्ट ठीक है वहाँ पे एकदम ही प्रेसिपिटेशन लो होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर से कम प्रेसिपिटेशन होता है मेघालय फ़ॉरेस्ट जहाँ पर पूरे टाइम बारिश ही होती रहती है ठीक है और उसके अलावा ओशन के अंदर डीप ओशन जो ट्रेंच हैं खाइयाँ हैं जो भी आपके हैं उसमें भी बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज़म्स ग्रो करते हैं और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया बॉयलिंग थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स मतलब कि जो आपके खाद होती है जिसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आती है वहाँ पर भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज़म्स ग्रो करते हैं हम उन्हें वहाँ का उसका क्लाइमेट बोले थे यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का कुछ बायोम्स यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इको जैसे कि यहाँ पर डेजर्ट हो गया ठीक है यहाँ पे अलग टाइप के प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे जैसे कि यहाँ पे स्पाइनी प्लांट्स जिनके फ्लैशी लीव्स होगी और कांटेदार पत्तियाँ होंगी वो यहाँ पे ग्रो करेंगे उसके अलावा जैसे कि मेघालय है और वहां पे किस टाइप का वेजिटेशन होगा तो बहुत ही डेंस वेजिटेशन पाया जाएगा वहाँ पे ये देख सकते हैं आप कितना इन्वायरमेंट uh, में कितना वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे भी uh, बारिश प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा होता है देखिए ये डॉकी रिवर है मेघालय uh, की जहाँ का क्लीनेस्ट वाटर माना जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स तो क्या uh, की uh, वेरिएशन होता है कि कंपोनेंट क्या होता है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सॉइल जो मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ए बायोटिक फैक्टर्स मतलब होता है कि जो अजैविक आपके जो घटक हैं जैसे कि अजैविक में आ जाएगा आपका ये जिसको कि हम, हम मैन ने नहीं बनाया है ठीक है नेचर ने बनाया है लेकिन वो नॉन लिविंग ही है एक तरह से ठीक है लिविंग नहीं है नॉन लिविंग है तो हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सॉइल तो वी मस्ट रिमेंबर दैट फिजिकल केमिकल एबायोटिक बायोटिक अलोन डो नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली ठीक है तो जो जो भी हैबिटाइट हमें देखने को मिलेंगे उसमें बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेट्स दोनों पाए जाएंगे सिर्फ ए बायोटिक या सिर्फ ए बायोटिक कॉम्पोनेंट नहीं देखने को मिलेगा जैसे कि अगर हम बायो टिक कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो पैथोजेंस है पैरासाइट्स है प्रोडेटर्स हैं कॉम्पिटिटर्स हैं तो ये सारे जो आपके ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे हमें हैबिटाट में वो सब किस में जो लिविंग क्रिएचर्स हैं हम कह सकते हैं वो सब किस में आ जाएंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर हम मेनली बात किसकी करने वाले हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की तो द सम बायोटिक कॉम्पोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट uh, चीज़ों में भी ये हेल्प करते हैं जैसे कि पॉलिनेशन में हेल्प कर दिया या फिर और किसी मैटर में हेल्प कर दिया अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मेजर ईबायोटिक फैक्टर्स में जो पहला हमने देखा है वो है टेम्परेचर तो टेम्परेचर हम जानते हैं कि एकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायॉर्मेंट फैक्टर है ठीक है अगर एवरेज टेम्परेचर की हम लैंड की बात करें तो वो सीजनली क्या होता है डिक्रीज़ करता जाता है ठीक है प्रोग्रेसिवली फ्राम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है ठीक है यहाँ पर क्या है इक्वेटर है यहाँ पर क्या है पोल्स हैं टिप पोर्शन पर क्या है पोल्स हैं तो अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ऑब्वियसली डिक्रीज होगा ठीक है पोल्स की तरफ जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और जैसे ही हम आ, पोल्स आ, पोल्स से हम जाएंगे अगर इक्वेटर की तरफ तो टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज़ होता जाएगा जिससे कि वहाँ की वेजिटेशन भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी सो so, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर सब जीरो लेवल्स जो पोलर एरियाज़ में सब जीरो लेवल्स हैं वहाँ पे भी टेम्परेचर अलग टाइप का होगा और जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से अबव है जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो हमारी हैं समर के टाइम पे वहाँ पे भी अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे वहाँ पर भी अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे हमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एम में कि सब जीरो लेवल्स पोलर एरियाज़ पर हमें देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर किस टाइप के ऑर्गेनिज़म आपको देखने को मिलेंगे पोलर बियर्स हैं ठीक है उसी टाइप से अडेप्ट ऑर्गेनिजम्स हमें वहाँ पे मिलेंगे तो ए बायोटिक फैक्टर्स का बहुत रोल होता है कि किस टाइप के बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर होगी अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे यूनिक हैबिटेट्स होते हैं जैसे कि हॉट हाइड्रोथर्मल जो स्प्रिंग्स हैं आपके डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा एक्सट्रीम कंडीशंस, हार्श कंडीशंस जिसको हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से अबव भी मिल सकता है और वहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखें ये मतलब जैसे क्या लिखा है इट इज़ अ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज़ डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज ठीक है मैंगो ट्रीज़ जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं ठीक है ट्रॉपिकल रीजन्स पे ग्रो करते हैं ना तो टेम्परेट तो कंट्रीज जैसे कैनाडा है जर्मनी वहाँ पे कैसे ग्रो कर पाएंगे ठीक है इसीलिए यहाँ से जो मैंगोज़ होते हैं इंडिया से वो बेस्ट क्वालिटी के जर्मनी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मतलब एक्सपोर्ट किए जाते हैं अगर आ, हम स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो वो भी केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे ठीक है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है केरला में. तो स्नो लेपर्ड्स कहाँ मिलेंगे पोलर रीजन्स वगैरह में मिलेंगे टूना फिश है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में ओशन में ही मिलेंगी ठीक है मतलब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में से बाहर नहीं मिलेंगी जल्दी रेयरली मिलेंगी ठीक है तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडेप्ट रहते हैं उसके बाद टेम्परेचर एक मेजर चीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें कि एक मेजर चीज़ होती है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स ठीक है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तब काइनेटिक्स जो होगी एंजाइम्स की वो डिस्टर्ब हो जाएगी और डिग्रेड हो जाएंगे एंजाइम्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो जो बेसिक मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होगी एंजाइम्स की और बॉडी के अलग अलग टाइप के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो कि एंजाइम्स पर डिपेंडेंट होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे ठीक है तो लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है क्योंकि जो कुछ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर रेंज को या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यूरीथर्मल लेकिन कुछ टाइप uh, के ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम रेंज टेम्परेचर में सरवाइव कर पाते हैं कि उनके लिए एक रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर होना चाहिए कि इतने से इतने डिग्री सेल्सियस मतलब कह सकते हैं एक तरह से लो टेम्परेचर रेंज पर सर्वाइव कर सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं स्टेनोथर्मल ठीक है यहाँ पे दो टर्म आते हैं यूरीथर्मल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को आ, सहन कर सकते हैं और दूसरा आता है ये स्टेनोथर्मल जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है विच इज़ अ मेजर एबायोटिक फैक्टर इज वाटर वाटर में क्या है कि इसके बिना तो लाइफ एकदम ही अनसस्टेनेबल है ठीक है लाइफ की कोई परिकल्पना की ही नहीं जा सकती और ऐसा कहा भी जाता है कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पे वो वाटर में ही हुई थी ठीक है तो यहाँ पे अगर हम वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो वाटर की अवेलेबिलिटी पर भी ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है जैसे कि डेजर्ट में है वाटर सप्लाई लिमिटेड है वाटर वहाँ पे जल्दी देखने को भी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिज़म्स डेवलप करेंगे कटीली झाड़ियाँ वगैरह ठीक है ऑर्गेनिजम्स भी कैसे होंगे कैमल वग़ैरह वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो बहुत दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है और अगर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी की ऑफ प्लांट्स की बात करें तो वो भी किस पर डिपेंडेंट होती हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं रेनफॉल वहाँ पर कैसा है ठीक है अगर रेनफॉल ही कम है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पर प्लांट्स और वेजिटेशन बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि ओशंस में जो रहते हैं लेक्स में रिवर्स में जो रहते हैं आप यही सोचते होंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज़म्स लिविंग इन ओशन्स लेक्स एंड रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बट इट इज़ नॉट ट्रू ओके यहाँ पर यही बताया गया है कि जो पानी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं पानी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वो आ, वहाँ पे प्र, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे वाटर से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे भी होते हैं कि जो वाटर के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि पीएच और केमिकल कंपोजिशन वाटर का क्या है उससे भी अफेक्टेड होते हैं ठीक है और बहुत ज़्यादा अगर दूषित पानी है या फिर उसका पीएच सही नहीं है केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह डिस्टर्बड है तो तो फिर ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर वाटर है और उसमें सॉल्ट मिला हुआ है तो वो सेलाइन वाटर हो गया और उसका वो यूज़ कर पा रहा है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना टॉलरेंट है सेलाइन वाटर के लिए अगर वो टॉलरेंट टॉलरेट कर पा रहा है सेलिनिटी को ठीक है अगर वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंट है वाइड रेंज ऑफ सेलिडिटी के लिए टॉलरेंट है तो उसे हम कहेंगे यूरी हैलाइन लेकिन अगर रेस्ट्रिक्टेड है टू नैरो रेंज ऑफ़ सेलिनिटी देन इट इज़ कॉल्ड स्टेनोहेलाइन ठीक है वैसे ही टेम्परेचर के लिए था और वैसे ही यहाँ पर सेलिनिटी के लिए भी है कि अगर वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी सहन कर पा रहा है मतलब वेरिएशन सेलिनिटी में काफ़ी हद तक सहन कर पा रहा है तो वो यूरी हैलाइन होगा और अगर सिर्फ नैरो रेंज uh, अगर सेलिनिटी की सहन कर पा रहा है तो वो स्टेनोहेलाइन होगा उसके अलावा मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ़ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वु फेस ठीक है तो बहुत सारे ऑर्गैनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन से वाटर उनके अंदर चला जाता है और बाहर आ जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू भी होता है तो कई बार क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सी वाटर में मतलब अगर बहुत टाइम तक रहें तो फिर उस उनके अंदर ऑसमोटिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो ऐसा नहीं है कि वाटर में रहने वाले एनिमल्स को वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिपेंड करता है कि किस टाइप का वहाँ Chemical composition. Next abiotic factor, which is a major abiotic factor, is light. लाइट में क्या होता है कि हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं जिसके लिए सनलाइट ज़रूरी है ठीक है वाटर ज़रूरी है और भूमि से नाइट्रोजन ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ें हैं जरूरी है फ़ोटो के लिए उसमें सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सन ही होती है फ़ोटो के लिए जिसकी वजह से वो फूड अपना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं और उन्हें ऑटो इसीलिए कहते हैं ठीक है थीके? तो लाइट अगर वहाँ ज़्यादा मिल रही है तो वहाँ पे प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे और उन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होने वाले जो आपके हर्बीवोर्स हैं जो आपके एनिमल्स हैं ह्यूमन हैं वो भी वहाँ पे नंबर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे ठीक है क्योंकि प्लांट्स पर ही तो हमारा पूरा अर्थ सर्वाइव कर रहा है ना तो वहाँ पर अगर फूड ज़्यादा मिल रहा है अगर वेजिटेशन ज़्यादा है तो ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे उसके अलावा कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्ब्स हैं श्रब्स हैं फॉरेस्ट में वो अडेप्ट होते हैं ऑप्टिमली फ़ोटो करने के लिए मीन्स वेरी लो लाइट कंडीशन में फ़ोटो uh, ही कर पाते हैं बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और फोटो नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली ठीक और लो लाइट में भी क्यों क्योंकि वो जो बड़े बड़े कैनोपाइट ट्रीज़ होते हैं उनके शैडो में आ जाते हैं जिसकी वजह जिस से उन्हें लाइट कम मिल पाती है तो वो अपने आप को इस तरह से अडाप्ट कर लेते हैं कि वो ऑप्टिमल टेम्परेचर पर ही फोटोसिंथेसाइज़ कर पाते हैं ठीक है उसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो लाइट पर डिपेंडेंट होते हैं फ्लावरिंग के लिए उन्हें फ़ोटो पीरॉडिक रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं कि जितना उनको फ़ोटो पीरियड चाहिए मतलब लाइट का जो पीरियड चाहिए उसी पर डिपेंडेंट होती है उनकी फ्लावरिंग की प्रोसेस ठीक है तो उन्हें क्या कहते हैं कि जैसे कि डे न्यूट्रल प्लांट्स हो गए लॉन्ग डे प्लांट्स हो गए शॉर्ट डे प्लांट्स हो गए तो डिपेंड करता है कितनी देर तक की लाइट उनकी चाहिए फ्लावरिंग के लिए उसके अलावा कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनके लिए लाइट एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है जैसे कि जो उनके अंदर डाइरनल सीजनल वेरिएशन हो रहे हैं लाइट इंटेंसिटी के लिए और ड्यूरेशन के लिए तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव और जो माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ होती है वो भी अफेक्ट होती है जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं ठीक है और वही उसी वाइस वर्सा अगर देखें तो कुछ एनिमल्स हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो हाई टेम्परेचर की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं माइग्रेट कर जाते हैं तो डिपेंड करता है कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव जो माइग्रेटरी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है वो किस तरह के टेम्परेचर के लिए फेवरेबल होगी नेक्स्ट इज अब ए बायोटिक फैक्टर अगर हम देखें तो वो है सॉइल सॉयल में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो चेंज जाती है जैसे कहीं रेड सॉइल मिलेगी कहीं ब्लैक सॉइल मिलेगी तो उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है जो उनके मिनरल uh, जो उस उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स uh, हैं वो सब भी चेंज होंगे उनके अकॉर्डिंग ठीक है अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे सॉइल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिल रही है तो उसका रीज़न क्या होता है ठीक है उसका रीज़न फर्स्ट इज़ तो क्लाइमेट ठीक है अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पे अलग तरह की मिट्टी होगी ठीक है अगर सूखा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे अलग तरह की मिट्टी होगी ठीक है उसके अलावा वेदरिंग प्रोसेस जो वेदरिंग फिनोमिना होता है जिसमें कि जो चट्टाने होती हैं वो एसिड के थ्रू लाइकैनिक एसिड के थ्रू टूट टूट कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिससे कि सॉइल बनता है बाद में रॉक्स ही बाद में सॉयल में कन्वर्ट होती हैं को हम क्या कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस और सॉइल ट्रांसपोर्ट uh, कहां से होकर आई है ठीक है इन सब चीजों पर भी करता है कि कैसी और वहां पे किस टाइप के डिपेंडेंसी देख पाते हैं उसके अलावा जो सॉइल के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि सॉइल कॉम्पोजिशन हो गया ग्रीन साइज हो गया एग्रीगेशन हो गया वो सब परकुलेशन जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की जैसे कि कुछ वाटर कुछ सोइल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं ठीक है तो वहाँ पे जो आपके जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे ठीक है अगर पानी उनको नहीं भी मिल रहा है अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है परकुलेशन अच्छा खासा है तो फिर वहाँ पर उसी टाइप के प्लांट्स ग्रो करेंगे नेक्स्ट इज़ uh, कुछ अदर पैरामीटर्स भी हैं जैसे कि पीएच है मिनरल कंपोजिशन है टोपोग्राफी है वो सब बहुत ज़्यादा एक्सटेंट uh, में क्या डिटर्मिन करती हैं कि उस टाइप वहाँ पे किस टाइप का एरिया होगा किस टाइप का क्लाइमेट होगा और किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे अदर चीज़ की यहाँ पे uh, जो भी आपका सॉइल होगा uh, चाहे वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हो या लैंड पर हो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि uh, किस टाइप के बेंथिक एनिमल्स हैं जो वाटर सी वाटर में सबसे बेस पर मिल ते हैं वो बेंथिक एनिमल्स होते हैं तो किस टाइप के सॉइल है उसी टाइप के बेंथिक एनिमल्स मिलेंगे और या फिर लैंड पे अगर हम देखें तो उसी टाइप के लैंड एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे तो सॉइल पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी सो so, uh, यहाँ पर हमने बात की डिफरेंट डिफरेंट ई बायोटिक फैक्टर्स के बारे में और उनका इफेक्ट ऑर्गेनिजम्स की अवेलेबिलिटी और उनके अडाप्टशन के बारे में सो जैसे कि हमने यहाँ पे एबायोटिक यह फैक्टर्स के बारे में देखा है तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द बायोटिक फैक्टर्स व्हिच इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ इकोलॉजी आल्सो सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट दैट सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू सो मच